देखिए जैसा आप लोग देख रहे हैं कि गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़े उत्साह से यानी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं कि हर गांव में जितनी जीत पहले भाजपा की हुई है उससे ज्यादा जीत करने का आश्वासन मिल रहा है। ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबने और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। इस बार भी सब लोगों का आश्वासन है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी, पहले से ज्यादा वोटों से मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि करनाल लोकसभा भी अन्य सब लोकसभाएं भी 10 लोकसभा के और 1 विधानसभा करनाल का कमल का फूल खिला के और हम मोदी जी के झूले में 4 जून को डाले। माती वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपने अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर ले। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे ये उनको नहीं पता, हमें पता है। देखिए वो इंडिपेंडेंट विधायक होने का, ये पार्टी के कार्यक्रम है, इंडिपेंडेंट विधायक होने के बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए था। अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो उसके बावजूद भी हमें उस बात की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जो बाकी पार्टियों के लोग हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जेजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, कई लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं कर। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैंने उस दिन भी आभार प्रकट किया था कि बड़ी संख्या में जो लोग उस दिन आए थे और पैदल एक यात्रा निकली थी, हालांकि बहुत कैंडिडेट तो अपने वाहनों पर यात्रा निकालते हैं, लेकिन पैदल चल करके हजारों लोगों की जो यात्रा हुई मैं अभिभूत हूं उससे, और उनका जो आशीर्वाद मिला मैं उनको धन्यवाद करता हूं। देखिए जैसा आप लोग देख रहे हैं कि गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़े उत्साह से यानी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं कि हर गांव में जितनी जीत पहले भाजपा की हुई है उससे ज्यादा जीत करने का आश्वासन मिल रहा है। ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबने और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। इस बार भी सब लोगों का आश्वासन है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी, पहले से ज्यादा वोटों से मिलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि करनाल लोकसभा भी अन्य सब लोकसभाएं भी 10 लोकसभा के और 1 विधानसभा करनाल का कमल का फूल खिला के और हम मोदी जी के झूले में 4 जून को डाले। माती वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपने अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर ले। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे ये उनको नहीं पता, हमें पता है। देखिए वो इंडिपेंडेंट विधायक होने का, ये पार्टी के कार्यक्रम है, इंडिपेंडेंट विधायक होने के बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए था। अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो उसके बावजूद भी हमें उस बात की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जो बाकी पार्टियों के लोग हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जेजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, कई लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं कर। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैंने उस दिन भी आभार प्रकट किया था कि बड़ी संख्या में जो लोग उस दिन आए थे और पैदल एक यात्रा निकली थी, हालांकि बहुत कैंडिडेट तो अपने वाहनों पर यात्रा निकालते हैं, लेकिन पैदल चल करके हजारों लोगों की जो यात्रा हुई मैं अभिभूत हूं उससे, और उनका जो आशीर्वाद मिला मैं उनको धन्यवाद करता हूं।